अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी बढ़ोतरी या ग्रोथ के जो है उसके नशोनुमा के उसकी बलिदगी के असूल कौन कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, के ग्रोथ जो है, बढ़ोतरी जो है, ये कंटिन्यूस जो है लगातार अमल है, कि इसमें रुकावट नहीं आती। यानी कि ये नहीं कि अब जो है एक साल बच्चा बढ़ा और अगले साल कोई नहीं बढ़ा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लगातार चलता रहता काम। नेक्स्ट स्टेप जो है पीपल डिवेलप एट डिफरेंट रेट्स, के अफराद के बढ़ने का जो है उसकी रेशो मुख्तलिफ होती है। यानी कि कोई बढ़ते तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं, यानी कि उसका खुराक के लिहाज से अगर अच्छी खुराक मिली, अच्छा इन्वायरमेंट मिला, तो मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली भी जल्दी से बढ़ जाते हैं। कई बच्चे जो इनको मौाक़े नहीं मिलते, प्रॉपर खुराक, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो उनके बढ़ने में कमी आती है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है डिवेलपमेंट इज़ ऑर्डरली, कि ये एक सिक्वेंस के तहत चलते हैं। ये नहीं है कि जनाब यानी कि जब बच्चा बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है पहले उसके, अब जब जवान होने लगेगा तो पहले उसकी दाढ़ी के कुछ बाल आएंगे, मूछ आएंगी, फिर दाढ़ी आएगी, फिर इस तरह से वो जवान हो जाएगा। ये नहीं है पैदा होते ही उसके जो है ना दाढ़ी के बाल आ जाएंगे, इस तरह से नहीं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप होगा, और ग्रोथ में भी ऐसे ही है कि उसकी बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। यह नहीं कि पैदा होते ही वो बड़ा हो जाएगा, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। और ये इसके अलावा प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, कि पहले आम जो है अज़ा और तमाम अशिया जो हैं जिस्म के हिस्से जो हैं वो बढ़ते हैं, फिर ख़ास ख़ास, यानी कि बाकी बॉडी जो है वो पहले बढ़ेगी, इसके बाद बाकी जो है ख़ास ख़ास। जैसे कि पहले बढ़ोतरी के अंदर बच्चा और बच्ची में नहीं पता लगता कि शुरू में दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यानी कि ये जर्नल है, इसके बाद जब स्पेसिफिक होगी, जब बड़े होंगे तो औरत के यानी कि चेहरे पे बाल नहीं होंगे, जबकि मर्द के वो दाढ़ी और मूछें आने शुरू हो जाएंगी, और इसमें फ़र्क आ जाएगा, फिर ये स्पेसिफाई हो जाएगा। इसके अलावा ये है डिवेलपमेंट इज़ अ प्रिडिक्टेबल, इसकी जो है प्रिडिक्शन होती है डिवेलपमेंट के अंदर, कि यानी कि अगर अब बच्चे के दाढ़ी के बाल या मूछियाँ आ रही हैं तो पता चलेगा अगर नेक्स्ट इसकी जो है ना दाढ़ी आएगी, दाढ़ी के बाल आएंगे। इसी तरह से फिर बाकी जिसम अज्जा के अंदर भी तब्दीली आती है, एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है, पता चलता है कि अब ये बच्चा जो है ना जवानी की तरफ बढ़ रहा है और अब ये जवान हो गया है। तो हर एक जो है हिस्सा बढ़ने में आगे वाले का मुआमन होता है, उसकी प्रिडिक्शन करता है, पेश गोई करता है उसकी। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक याद दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।